हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लग्न की, है ना। तो कुंभ राशि की कुंडलियों के विषय में हमने कल काफ़ी विस्तृत चर्चा करी थी अपने पिछले एपिसोड में। तो आइए आज फिर हम गुरु के विषय में और शुक्र के विषय में, कल भी इसी विषय में चर्चा कर रहे थे और आज भी इसी विषय में विस्तृत कुछ और चर्चा करेंगे और भी आगे भी कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses एंड हच एस्ट्रो क्लासेस ये मेरा ट्विटर हैंडल है एंड youtube.com/बालाजी वेद विद्यालय भी अगर आप लिखेंगे तो हमारा सारा वीडियो जो है और YouTube का चैनल आ जाएगा एंड विजिट माई ब्लॉग एंड माई वेबसाइट astroclasses.com। तो चलिए हम आज कुंभ लग्न के विषय में विस्तृत चर्चा करें। मित्रों, कुंभ राशि की जो कुंडलियां होती है उसमें गुरु जो होता है अगर नवम भाव में और शुक्र अगर दशम भाव में हो तथा ऐसे शुक्र पर अगर शनि कहीं भी बैठा हुआ हो और उस शनि की दृष्टि हो, है ना, तो व्यक्ति जो होता है वो साधारण कुल में भी जन्म लेकर के एकदम अत्यंत निकृष्ट परिवार में भी जन्म लेकर के और अपने जीवन में बहुत ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कारण क्या है मित्रों? गुरु अगर नाइन्थ होम में बैठा हो धनेश और इनकम भाव का मालिक होकर के, ठीक है, धनेश और आईएस होकर के अगर गुरु भाग्य भाव में बैठे और शुक्र जो इस कुंडली का भाग्येश है, ऐसा भाग्येश शुक्र, भाग्येश और चतुर्थेश, ये अकेला ही संपूर्ण राजयोग कारक ग्रह होता है शुक्र कुंभ लग्न की कुंडली में, ठीक है। तो ऐसा शुक्र जो है अगर टेंथ होम में यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, टेंथ होम में बैठा हो और शनि जो है अगर कहीं भी बैठा हो इस कुंडली में, उसकी दृष्टि इसके ऊपर हो, ठीक है, तो शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि होती है, है ना। तो या तो अगर यहाँ बैठे, है ना, या फिर यहाँ बैठे और या फिर यहाँ बैठे लग्न में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में बैठ करके शनि जो होता है, एक दो तीन, तीसरी दृष्टि यहाँ होगी अगर अष्टम भाव में बैठेगा तो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर शनि की दृष्टि हो, शनि लग्नेश होता है और लग्नेश की दृष्टि अगर दशम भाव पर बैठे हुए भाग्येश के ऊपर बैठे, तो ये भी एक प्रकार की चतुर्विध प्रकार के संबंधों में एक संबंध होता है और इस प्रकार इस शुक्र को खिला देता है, यानी कि चमका देता है। तो ऐसे ही स्थिति में ये जातक जो होता है साधारण कुल में भी जन्म लेकर के अपने जीवन में बहुत धन और प्रतिष्ठा की लंबी यात्राएं करता है। मित्रों, ये जो कुंभ लग्न की कुंडली होती है, है ना, इस कुंडली में ये जो योग निर्मित होता है इसका कारण होता है लाभेश लाभ स्थान से लाभ स्थान में, समझ गए, यानी कि गुरु, ठीक है, लाभ स्थान में यहाँ पे आ जाता है नवम भाव में और योग कारक शुक्र जो होता है इस कुंडली का सबसे ज्यादा, है ना, भाग्य स्थान से धन स्थान में आ जाता है, यहाँ का मालिक होकर के धन स्थान में आ जाता है, जिसकी संपूर्ण दृष्टि सुख भाव पर होती है यहाँ चतुर्थ भाव पे तथा लग्नेश शनि की पूर्ण दृष्टि जो है इस शुक्र को योग कारक बना देती है, ठीक है। मंगल अगर इस लग्न कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में अगर मंगल जो है, जो कि मंगल तृतीयेश और दशमेश होता है, ऐसे में तीसरे भाव में अगर अपने घर में बैठा हो, मंगल अपने मूल त्रिकोण में बैठा हो,
तो उसके कई छोटे भाई होते हैं, पर यदि मंगल 11वें या फिर दूसरे भाव में हो तो भाइयों का अभाव रहता है। अगर ऐसा मंगल 11वें भाव में हो तो इस जातक के भाई नहीं होते हैं, ठीक है, अभाव होता है। निर्बल मंगल अगर इस कुंडली में हो तो छोटे भाई को अल्पायु बनाता है, तथा बलि मंगल जो होता है वो छोटे भाई को दीर्घजीवी बनाने में समर्थ होता है, ठीक है। मित्रों, अगर 12वें घर में शुक्र हो, अगर इस कुंडली में बात करें तो 12वें घर में अगर शुक्र हो तो ऐसा शुक्र, क्योंकि भाग्य भाग्य व्यय भाव में चला जाता है तो जातक को भाग्यहीन बना देता है। और साधारण रूप से अगर देखें तो 12वें भाव में शुक्र जो होता है वो तो एक तरह से श्रेष्ठ समझा जाता है, लेकिन है ना, कुंभ लग्न की कुंडली जो होती है उसमें द्वादशस्थ शुक्र जो होता है वो योग कारक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही, और चलते चलते निवेदन करूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, टेक केयर, थैंक्स।